हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक मल्टीपर्पस डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट है जिसको वेरियस वेव फॉर्म्स के स्टडी और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। सीआरओ जनरली एक एक्स वाई प्लॉटर है जिसमें स्क्रीन पर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग वेव फॉर्म को डिस्प्ले कर उसके वेरियस पैरामीटर्स को स्टडी किया जा सकता है। सीआरओ की हेल्प से हम किसी भी वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज शिफ्ट और इसी तरह अलग अलग पैरामीटर्स स्टडी कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। सीआरओ की स्क्रीन पर एक मूविंग ल्यूमिनस स्पॉट के थ्रू हम किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। सीआरओ का हार्ट कहलाता है कैथोड रे ट्यूब, यही इसका सबसे मेन और सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है। अब हम देख सकते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ब्लॉक डायग्राम जिसमें सीआरओ के डिफरेंट कंपोनेंट्स विजिबल हैं। सीआरओ के मदद से जिस सिग्नल को हमें स्टडी करना होता है वह सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट दिया जाता है। वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट डिले लाइन को जाता है और ट्रिगर सर्किट को दिया जाता है। ट्रिगर सर्किट का आउटपुट टाइम बेस जनरेटर के थ्रू पास होते हुए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को जाता है। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट सीआरटी की हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को दिया जाता है। इसी तरह डिले लाइन का आउटपुट सीआरटी की वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को दिया जाता है। इसके बाद कैथोड रे ट्यूब आती है जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सीआरओ का। सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन असेंबली होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस की जाती है और यह इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के थ्रू होते हुए सीआरटी की स्क्रीन को कोलाइड करती है और इसके द्वारा सिग्नल का वेव फॉर्म स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। कंपोनेंट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, अलग अलग कंपोनेंट्स जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में पाए जाते हैं वो है सीआरटी, वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस जनरेटर, ट्रिगरिंग सर्किट और पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के द्वारा सीआरओ के डिफरेंट कंपोनेंट्स को वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। सीआरटी में वोल्टेज सप्लाई के लिए के द्वारा प्री एक्सेलरेटिंग तथा एक्सेलरेटिंग एनोड को हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तथा हीटर कंट्रोल ग्रिड फोकसिंग एनोड को लो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। वर्टिकल एम्पलीफायर की हेल्प से इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। डिले लाइन का फंक्शन है इनपुट सिग्नल को प्रॉपर डिले प्रोवाइड कराना जिससे कि हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को इनपुट जो आता है वो साइमल्टेनियसली प्रोवाइड हो। अगर दोनों के इनपुट में टाइम डिफरेंस होता है तो स्क्रीन पर सिग्नल का वेव फॉर्म जो है वो प्रॉपर नहीं आता बल्कि उसमें टाइम लैग होता है। ट्रिगर सर्किट का काम है टाइम बेस जनरेटर को इनिशिएट करना। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का काम है टाइम बेस जनरेटर के आउटपुट को एम्पलीफाई करना जिससे कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को प्रॉपर वोल्टेज प्रोवाइड हो सके। कैथोड रे ट्यूब का कंस्ट्रक्शन जो है वो इस प्रकार होता है जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड के थ्रू पास होते हुए वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के थ्रू पास होती है और इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के थ्रू पास होते हुए इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पर कोलाइड करती है। इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जिनकी शार्प और फोकस्ड बीम जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर कोलाइड होती है। इलेक्ट्रॉन बीम हीटेड कैथोड के द्वारा
प्रोड्यूस होती है और एक्सेलरेटिंग और प्री एक्सेलरेटिंग एनोड इलेक्ट्रोड के द्वारा इसको एक्सेलरेट किया जाता है और फोकसिंग एनोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को शार्प किया जाता है। डिफ्लेक्शन सिस्टम्स में आता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स से बनता है और इनके पावर सप्लाई के द्वारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम को। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम, जिसमें पावर सप्लाई की मदद से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करा सकें।